तो क्या हाल है आप सबका। आज हम जिस मूवी का स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है सीक्रेट सोसाइटी। मूवी को डायरेक्ट किया एना मेस्ट्रो ने और यह मूवी साइंस फैंटेसी एक्शन टाइप की मूवी है। तो पहले मैं मूवी के कैरेक्टर से परिचय करा देता हूँ जिससे आपको मूवी की स्टोरी आसानी से समझ आ जाएगी। वैसे तो इस मूवी में बहुत से कैरेक्टर है लेकिन मुख्य रूप से चार है। पहला सैम, इलेनोर, कैथरीन और एडमंड। तो कहानी इन चारों के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम है सैम, जो एक स्टूडेंट है जिसके देश पे राजशाही हुकूमत है जो ये राजशाही के विरुद्ध होती है। तो क्या इसके देश से राजशाही खत्म हो पाएगी और सैम एक सुपर हीरो कैसे बनती है, तो जानने के लिए बिना किसी देरी के चलते हैं मूवी के स्टोरी पर। तो सैम कहानी के मुख्य पात्र हैं। सैम की एक बड़ी बहन होती है और एक माँ होती है और जो फादर होते हैं उनका प्लेन क्रैश में उनका डेथ हो गया रहता है। जब सैम बड़ी हो जाती है तो सैम और उसका एक दोस्त माइक होता है दोनों राजशाही के विरुद्ध रोड पर सॉन्ग शो करके विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो पुलिस इन्हें पकड़ कर ले जाती है और सैम को उसके माँ के पास ले जाती है जो कि इस देश के सैम की माँ ही प्रिंसेस होती हैं। सैम के ऐसा करने से सैम की माँ उसे वार्न करती है और सैम को स्कूल जाने के लिए बोलती हैं। स्कूल में उसकी मुलाकात रोक्साना से होती है। रोक्साना के पास एक इनविजिबल पावर होती है, वो गायब हो जाती है लेकिन ये पावर उसको पता नहीं होता है। इसके बाद विलेन का सीन आता है जो कि जेल में होता है और इसके गले में कैदियों वाली डिजिटल बेल्ट लगी होती है और जेल भी डिजिटली लॉक होती है। विलेन जिसका नाम एडमंड होता है जब जेल में इसके लिए खाना आता है तो इसमें एक एप्पल भी होता है। इस एप्पल में लॉक तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट छिपाया गया होता है जो कि एडमंड लॉक तोड़कर भाग जाता है। अगले दिन मिस्टर जेम्स के द्वारा ट्रेनिंग के पर्पस से सैम, ट्यूमा, जनवरी, रोक्साना और मटियो को बुलाया जाता है। इन सभी पांचों के पास सुपर पावर होता है। इन पांचों के पास सुपर पावर तो होता है लेकिन कम होता है। इनको तभी बढ़ाया जा सकता है जब इन्हें कोई ट्रेनिंग दे, जिसके लिए जेम्स ने उन्हें बुलाया होता है जो कि जेम्स के पास भी सुपर पावर होता है और यहाँ से उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। इस ट्रेनिंग को सैम की माँ कैथरीन के कहने पर दी जाती है। जब इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है तो इसी ट्रेनिंग के दौरान ही इन्हें अपने सुपर पावर का पता भी चलता है और इस ट्रेनिंग से ही अपने सुपर पावर को भी इंक्रीज करते हैं। इन पांचों के पास अलग अलग तरह के सुपर पावर होते हैं, जैसे सैम के पास सुनने का पावर और जो पास्ट में बीता हुआ होता है उसे जानने का पावर होता है, और रोक्साना के पास इनविजिबल होने का पावर होता है, और ट्यूमा के पास किसी भी पर्सन को अट्रैक्ट करने का पावर था, और जनवरी के पास किसी के पास अगर सुपर पावर होता था तो उस सुपर पावर को ब्लॉक करने का पावर था। ऐसे ही मटियो के पास फ्लाइंग पावर था, जैसे किसी भी उड़ने वाले जीव को अपने हिसाब से वो कंट्रोल कर सकता था। जब इनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो ये घूमने के लिए बाहर जाते हैं और एक दिन जनवरी और सैम के घर चुपके से जाते हैं क्योंकि सैम प्रिंसेस की बेटी होती है और घर के चारों तरफ पहरा लगा होता है। जब सैम और जनवरी घर से बाहर आ रहे होते हैं तो विलेन उन पे अटैक कर देता है। तब वहाँ सैम के फ्रेंड भी आ जाते हैं तो विलेन उन पे भी अटैक कर देता है। तो वहाँ जेम्स आवाज देते हुए आता है तो विलेन वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद से सैम जेम्स से पूछती है कि वो मुझे स्नोफ्लेक नाम से क्यों बुला रहा था और ये कौन था, क्योंकि स्नोफ्लेक नाम से सिर्फ मेरे फादर मुझे बुलाते थे। जब जेम्स उन्हें कुछ नहीं बताता है तो सैम विलेन का पीछा करते हुए जाती है। तो विलेन उस पर एक बार फिर अटैक करता है और उसके पीछे ही जेम्स भी आता है तो जेम्स पे भी बहुत बुरा अटैक करता है और जेम्स कुछ नहीं कर पाता है। उसके पीछे ही सैम के फ्रेंड भी आ रहे होते हैं। तब तक वहाँ जनवरी पहुंच जाती है और विलेन पे अटैक कर देती है और वो पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है। अगले दिन सैम अपनी माँ से पूछती है विलेन क्या मेरे अंकल हैं, तो उसकी माँ उसे बताती है कि एडमंड जो कि विलेन है वो प्रिंस बनना चाहता था इसलिए उसके फादर को उसने मार दिया। तो इस बात की क्लेरिफिकेशन के लिए वो अंकल एडमंड से मिलने जेल में जाती है। जेल में अपने अंकल से पूछती है कि तुम अपने ही भाई को जान से कैसे मार सकते हो। तो विलेन सैम से बताता है कि जब वो अपने भाई से बोला कि राजशाही को खत्म करना चाहिए तो उसके भाई ने वेट करने के लिए बोला। विलेन ये चाहता था कि राजशाही खत्म हो और पब्लिक सिटीजन की तरह जिए, ना कि एक सब्जेक्ट की तरह। अगले दिन सैम की बहन एलेनोर की बर्थडे होती है तो बर्थडे के दिन पार्टी रखी गई होती है और इसी दिन जनवरी विलेन को जेल से छुड़ा लेती है। जनवरी सैम की फ्रेंड होती है लेकिन उसके पहले से वो विलेन का स्पाई होती है, यानी कि जनवरी विलेन से मिली हुई होती है। सैम की बड़ी बहन एलेनोर बर्थडे वाले दिन ही वो प्रिंसेस बनने वाली होती है और इसी दिन विलेन एलेनोर को मारने वाला होता है। जनवरी जो कि विलेन को छुड़ाने वाली होती है उसके पहले ही मटियो फ्लाइंग पावर का इस्तेमाल करके सैम को बता देता है कि उसकी बहन खतरे में है। तो सैम और उसकी पूरी टीम मिलके अपनी बहन को बचा लेती है। तो इस तरह इस कहानी की एंडिंग होती है। तो कहानी में जो विलेन था वो राजशाही तो खत्म करना चाहता था लेकिन उसका इरादा गलत था और प्रिंसेस का इरादा सही था, इसलिए वहाँ पर राजशाही खत्म नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं किसी और रोज किसी और मूवी के साथ। थैंक यू।